सो ये गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अमेजोन मॉल पार्ट टाइम जॉब न्यू स्कैम के बारे में। अब इन लोग का कहना है, इसमें एक नया ट्विस्ट ये है दोस्तों, कि इन लोग का कहना है कि ये लेजेडा प्लेटफॉर्म की तरफ से है और अपने आप ये स्मार्ट मैचिंग करेगा और आपको जो है टास्क दे दिया जाएगा। इस तरीके का कुछ सीन है, वर्क डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है ऐसा। अब इस वेबसाइट की अगर बात हो गई है तो मैं आपको बता दूँ कि इस वेबसाइट का जो URL है वो है amzpart.rest। कुछ इस तरीके का वेबसाइट है जिसका इंटरफेस आप लोग स्क्रीन पर इस समय मैं शो कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये वही वेबसाइट है दोस्तों जो कि ये क्लेम कर रही है कि लेजेडा की तरफ से अमेजोन मॉल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपने पैसे इन्वेस्ट करोगे और कमीशन के साथ आपको जो है मिल सकते हैं। अगर 200 रुपये आप लगाओगे तो आपको 200 के जो है 400 मिलेंगे, अगर आप 500 लगाओगे तो। इस तरीके से एकदम लंबा चौड़ा लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी ये रहा इसका रजिस्ट्रेशन पेज, जहाँ पर मैंने जो है एक रैंडम नंबर चुना है, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 पुराना हो गया है। अब नया मैंने चुना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 और 9। ये नंबर है जो कि आपके स्क्रीन पर इस समय मैं शो कर रहा हूँ और इसको मैंने रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश किया। अब क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सब कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी ये लॉगिन हो गया और मुझे 88 रुपीज़ मिले हैं। आप लोग के स्क्रीन पर मैं शो कर रहा हूँ, देख लीजिए मोबाइल नंबर भी और पैसे भी। फिर मेरे दिमाग में आया कि भाई इस पैसे को चलो विड्रॉल कर लेते हैं। अब विड्रॉल करने की कोशिश किया लेकिन विड्रॉल हुआ नहीं। वहाँ पर जो है बैंकिंग डिटेल्स आपसे ले लिया जाएगा लेकिन आपको विड्रॉल नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर जो मैंने ID बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9, और इसमें अगर मैं रिचार्ज भी कर देता हूँ 100 200 300 500 का, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे मेरे पैसे मिल जाएंगे, फर्स्ट टाइम विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन अगर आप जो है अपना एक नया ID बनाओगे किसी मेंटर की हेल्प से और उसको आप अगर शेयर करोगे, ये लोग मेंटर बोलते हैं उन लोगों को जो कि आपको इंट्रोड्यूस करते हैं इस वेबसाइट के बारे में और बताते हैं, और उन लोगों को ही आपको जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के बाद, ताकि आपके पैसे को ये प्रोसेस करें आगे, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो उनको अगर आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे रिचार्ज करने के बाद, तो मे बी आपको आपके पैसे फर्स्ट टाइम मिल जाए आपके बैंक अकाउंट में। लेकिन उसके बाद जो है आपसे इतना अंधाधुंध लूटा जाएगा ना, इतने स्कैम किए जाएंगे आपके साथ, आपको जो है इतने बड़े बड़े टास्क दिए जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आप लोग भी इस वेबसाइट में रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको जो है बहुत सारे टास्क देखने को मिलेगा और हर टास्क पर जो है एक अलग कमीशन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कोई भी गारंटी नहीं है कि वो टास्क का अमाउंट क्या होने वाला है। हो सकता है कि 1000-2000 का टास्क हो, या फिर 5-10 हज़ार का टास्क हो, या 50,000-1,00,000 रुपये का टास्क हो, कोई गारंटी नहीं है। और इन लोगों से अगर कहोगे कि इतना हाई अमाउंट का क्यों आ गया, तो ये लोग यही कहेंगे कि सिस्टम के द्वारा जो है ऑटोमेटिक जनरेट होता है और हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप जो है इन लोगों के टास्क को करने से मना करते हो तो ये लोग आपको जो है कुछ सर्टिफिकेट शेयर करेंगे, या फिर ये लोग ऐसा भी कह सकते हैं आपको कि चलिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपको जो है इतना हेल्प कर देता हूँ। मतलब मान लीजिए 50,000 का टास्क आपको दिखाया गया, तो ये लोग कहेंगे कि 20,000 रुपये का जो है मैं हेल्प कर देता हूँ, आप 30,000 का रिचार्ज करो और बाकी जब पैसे मिल जाए तब मुझे मेरे पैसे लौटा देना। इस तरीके की भी बात करेंगे। ये भी कह सकते हैं कि इस अमाउंट को विड्रॉल करने के लिए एक इंश्योरेंस लेना पड़ेगा, इंश्योरेंस का चार्जेस इतना इतना है, अगर वो आप पे करोगे तो ये विड्रॉल टोटल जोड़ करके आपको मिल जाएगा, ठीक है, टोटल अमाउंट का आपको विड्रॉल मिल जाएगा। इस तरीके की अलग अलग तरीके के बहाने से ये लोग जो है आपसे पैसा लेते रहेंगे और आपके साथ स्कैम होता रहेगा, आप लोग अपने पैसे विड्रॉल नहीं कर पाओगे। आई होप दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। अब आप लोग जो है इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। इस तरह की कोई भी वेबसाइट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप जो है कंफर्म जरूर से हो जाइएगा, उसके कस्टमर केयर को कॉल करके बस आपको पूछना है कि क्या ये वेबसाइट जो है आपके अंडर आती है, क्या ये आप लोगों के वेबसाइट से लिंक्ड है, क्या आप लोग पार्ट टाइम जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको अमेजोन मॉल की तरफ से आ रहा है तो आपको अमेजोन के कस्टमर केयर कॉल करना है और ये कंफर्म करना है। इन लोगों का जो है कस्टमर सर्विस का नंबर होता है उस पर नहीं पूछना है, बल्कि ओरिजिनल वाला जो हमारा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उसके कस्टमर केयर को कॉल करके पूछना है। बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताया हूँ, आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। आप अपने पैसे ऐसे नहीं लगाइएगा, अदरवाइज आप उस बंदे को किसी भी तरीके से नहीं जानते हैं, ना नाम ना एड्रेस, ना आप कभी उसको देखे हैं, ना मोबाइल नंबर। अपने पैसे अगर लगा लोगे तो कहाँ कहाँ ढूंढोगे उसको, बर्बाद हो जाएंगे पैसे। सो बच के रहिएगा, बस कंफर्म हो जाइएगा उसके बाद ही पैसे लगाइएगा। सो फाइनली मैं आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि अब आपको इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपने अपने पैसे ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है ऐसी वेबसाइट में, तो आपको जो है पेमेंट ऐप के कस्टमर केयर को कॉल करना है और उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर इस ट्रांजेक्शन में मेरे साथ जो है फ्रॉड हो गया है। उनसे हेल्प मांगिए कि सर इस ट्रांजेक्शन में मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मैंने इसे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कंप्लेन कीजिए। अगर आप पेटीएम वगैरह से किए हैं तो वहाँ की सर्विस मेरे हिसाब से अच्छी है, आपकी कंप्लेन ली जाती है और मे बी आपको पैसे वापस मिल जाएं। अगर उस स्कैमर का अकाउंट एक्टिव हुआ जिसमें आपने पैसे भेजे हैं और उसमें अगर पैसे हुए
तो आपको पैसे मिलने के चांसेस होते हैं, बशर्ते आपको कंप्लेन जल्दी करना होता है। और दूसरी बात आपको ये करनी है कि cybercrime.gov.in वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन साइबर कंप्लेन कर देना है इस वेबसाइट के खिलाफ, ताकि आपके साथ जो स्कैम हुआ है वो किसी और के साथ नहीं हो, ऐसी वेबसाइट को बंद किया जा सके। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आपके साथ किसी भी तरीके का कोई भी स्कैम हुआ है ना, उसकी जानकारी को मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर से चेक कर लीजिएगा। और चैनल पर नया आया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस जरूर से कर दीजिएगा। यहां पर हमेशा ही आपको अवेयरनेस से जुड़ा वीडियोस देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।